अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण टेक। और साथ में मैं हूं रुबीउल हसन। आज की वीडियो में बैंक मास्कट मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड वापस लाने का तरीका बता दूंगा। अगर आपने बैंक मास्कट मोबाइल बैंकिंग की पासवर्ड भूल गया तो इस वीडियो आपके लिए जरूर है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में एक लाइक कीजिए और कमेंट करिए, और आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपकी एक शेयर की वजह से हो सकते हैं इस वीडियो बहुत सारे आदमी के पास पहुंच जाएगा। मेरा वीडियो की कॉर्नर में आई बटन में क्लिक करिए, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। यहाँ बैंक मास्कट एटीएम सीडीएम और मोबाइल बैंकिंग के बारे में बहुत सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हूँ। दोस्तों मैं अभी मोबाइल की स्क्रीन में आ चुके हैं, तो पहले यहाँ से बैंक मास्कट ऐप ओपन करता हूँ। बैंक मास्कट ऐप ओपन करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लगेगा, वेट करिए। लोडिंग लाने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने से लॉगिन होगा। अगर आपने पासवर्ड भूल चुके हैं इसीलिए पहले ऊपर यूज़र आईडी डाल दिए। मैं ऊपर यूज़र आईडी डाल दिया। अगर आपने यूज़र आईडी भूल गया तो इंशाल्लाह मैं इस बारे में और एक वीडियो बनाएगा कैसे यूज़र आईडी को वापस लाता है। तो मैं अभी यूज़र आईडी डाल दिया। इसके बाद नीचे है इंटर पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड भूल चुके हैं इसीलिए नीचे है फॉरगॉट पासवर्ड। आप लोगों ने फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक कीजिए। फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, तो यहाँ से नेक्स्ट में क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू पासवर्ड, इसी ऑप्शन से नीचे है लेट्स गेट स्टार्ट, तो आप लोगों ने लेट्स गेट स्टार्ट में क्लिक कीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट में क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, तो इसमें ऊपर है व्हाट इज़ योर यूज़र आईडी। तो आपने पहले इसमें आपकी बैंक मास्कट मोबाइल बैंकिंग यूज़र आईडी डाल दिए। यूज़र आईडी डालने के बाद नीचे है व्हाट इज़ योर डेबिट कार्ड नंबर। दोस्तों देखिए, आपकी बैंक कार्ड के ऊपर 16 डिजिट वाला जो नंबर है इसको डेबिट कार्ड नंबर बोलते हैं, तो अभी इसमें डेबिट कार्ड नंबर डालना चाहिए। डेबिट कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे है व्हाट इज योर डेबिट एटीएम कार्ड पिन। बैंक मास्कट एटीएम बूथ से रियल निकलने का टाइम जो पिन डालते हैं, अभी इसमें उसी पिन कोड डालना चाहिए। पिन कोड डालने के बाद नीचे है व्हाट इज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। बैंक मास्कट अकाउंट में जो फ़ोन नंबर इस्तेमाल करते हैं, अभी इसमें उसी फ़ोन नंबर डालना चाहिए। फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे है कंटिन्यू, आप लोगों ने कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ा टाइम लोडिंग होगा। लोडिंग लाने के बाद अभी बैंक मास्कट से एक मैसेज भेजेगा। ऑलरेडी मेरा मोबाइल में मैसेज आ गया, तो इसमें एक कोड नंबर है। अगर आपकी सिम कार्ड दूसरा मोबाइल में है तो उसी मोबाइल से पिन कोड लेके इसमें डालना चाहिए। तो मेरा सिम कार्ड इसी मोबाइल में है इसीलिए इसमें ऑटोमेटिक पिन कोड एंट्री हो गया, इसीलिए नीचे कन्फर्म में क्लिक करता हूँ। इसके बाद लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद ऐसा एक पेज आ जाएगा, इसमें ऊपर है क्रिएट योर न्यू पासवर्ड, यानी अभी यहाँ से आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है। तो मैं अभी यहाँ से नया पासवर्ड बनाता हूँ। पासवर्ड बनाने का तरीका देखिए, आपने इसमें टोटल 10 डालना चाहिए, यानी कैरेक्टर और नंबर सब मिला के टोटल 10 चाहिए। तो इसमें पहले 6-7 कैरेक्टर डालना चाहिए और बाद में 3-4 नंबर डालना चाहिए। जैसा है मैं डालता हूँ। मैं इसमें 6 कैरेक्टर यानी 6 अक्षर और 4 नंबर डाल दिया। तो इसके बाद नीचे है कन्फर्म योर न्यू पासवर्ड, आपने ऊपर जो पासवर्ड डाला इसी पासवर्ड को सेम टू सेम नीचे री इंटर पासवर्ड में डालना चाहिए। सेम टू सेम पासवर्ड नीचे डालने के बाद सबमिट में क्लिक करता हूँ। इसके बाद लोडिंग लगेगा। लोडिंग लाने के बाद आप लोगों ने देखते हैं सक्सेस बता रहा है, यानी यहां से बैंक मास्कट मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड क्रिएट हो गया। तो इसके बाद नीचे डन में क्लिक करता हूं। डन में क्लिक करने के बाद अभी इंटर यूज़र आईडी और इंटर पासवर्ड में मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूं। तो मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद लॉगिन करता हूँ।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखते हैं मेरा इसमें अकाउंट लॉगिन हो गया। इसी तरीका में बैंक मास्टर्ड मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड ऑफिस लाता है। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखे तो एक लाइक कीजिए और कमेंट करिए। तो आज की वीडियो इस तक, खुदा हाफिज़।